नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे मालकानगिरी रे माओवादी को बर्बरता जोड़ा अंबो निकट खजुरी गुडाठारे जणों को गला काटी हत्या करले लाल बाहिनी दुई जणों को मरणांतक आक्रमण बंगोपसागर रे सृष्टि हला आउ एक लघुचाप फल रे राज्य रे 3 दिन धरी प्रबल वर्षा आशंका 24 घंटा पई 7 जिला को येलो वार्निंग 48 घंटा पई गंजाम पुरी को ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाक केंद्र जगत जननी दुर्गा तनासिनी मां दुर्गा को शारदीय पूजा शक्ति पीठ मानक रे आज षष्ठी पूजा कोरोना कटकणा रे चली मां को 1600 उपचार सेपटे चलचंचल शक्ति पीठ बिना भक्त रे चली मां को नवरात्र पूजा बिहार रे निर्वाचनी ताती प्रचार मैदान रे हेवीवेट कैंपेनिंग पे पहुंचले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 243 विधानसभा आसन पे हेउची लड़ाई 28 अक्टोबर रे प्रथम पर्याय मतदान पुणी समवाय मंत्री को निर्वाचन मंडली आठगढ़ रु आसला बड़ दुर्नीति गुरुडी झाटिया परे धाईपुर रे चासी को नारे लक्ष लक्ष टंका लूट प्रश्न पचारिवारु बूम ठेली देले राज उत्तरदाय किए ताकू नहीं प्रश्न देलेनी जोर जबरदस्त छड़ाई नेले गुम्मा तहसील ऑफिस रे पसी पॉलिथिन लुटिनले शताधिक महिला और पुरुष आरआई पात्र अंतर नीति करी पॉलिथिन बांटिथिबा अभियोग थाना रे एतला ढेंकनाल ककड़ा हाड़ रे जननी जंत्रणा रास्ता नथिबारु आसी पारला नहीं आंबुलांस घरे प्रसव कले महिला प्रसूति सह नवजात शिशु कन्या को स्ट्रेचर रे बोही मेडिकल नेले ग्रामवासी एवं आईपीएल महासमर मंगलवार मैच रे दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट रे हराइला किंग्स एकादश पंजाब आज कोलकाता नाइट राइडर्स को भेटिबो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एथर संपूर्ण खबर मालकानगिरी रे माओवादी को बर्बरता पुणी निजर अस्तित्व देखाइले लाल बाहिनी जोड़ाआंब निकट खजुरी गुड़ाठारे जणों को गला काटी हत्या करा जायछि एहा सह दुई जणों को मरणांतक आक्रमण करिछन्ते माओवादी तेबे व्यक्ति जणों को पुलिस इनफॉर्मर संदेह रे हत्या करा जायथिबा संदेह करा जाउछि गतकाली स्वाभिमान अंचल रे 7टी बोमा निष्क्रिय करा जायथिला तबे मालकानगिरी रे संपर्कित अधिक सूचना देबे विक्रम तबे विक्रम मालकानगिरी रे माओवादी को बर्बरता पुणी जदि कहिबा जणक गळा काटी हत्या करा जाइछि एवं पुलिस इनफॉर्मर संदेह रे माओ लाल बाहिनी जा हत्या करै तबे अधिक अपडेट कोन रहिछि तबे विक्रम आपण सुनि परछन्ती तबे मालकानगिरी रे माओवादी को बर्बरता पुणी निजर अस्तित्व देखाइला लाल बाहिनी जोड़ाआंब निकट खजुरी गुड़ाठारे जणों को गला काटी हत्या करा जायछि एहा सह दुई जणों को मरणांतक आक्रमण करिछंती माओवादी तबे व्यक्ति जणों को पुलिस इनफॉर्मर संदेह रे हत्या करा जायथिबा संदेह करा जाउछि गतकाली स्वाभिमान अंचल रे 7टी बोमा निष्क्रिय करा जायथिला तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे फोन इन रे मालकानगिरी रो प्रतिनिधि विक्रम केसरी स्वाई आम सहित जोड़ी होइछंती विक्रम जदि कहबा पुणी निजर अस्तित्व देखाइला लाल बाहिनी एवं जणकु पुलिस इनफॉर्मर संदेह रे गळा काटी हत्या करा जायछि तबे अधिक अपडेट कोन रहिछि দেখন্তু কথা যদি কহিবা গতকালির কথা যদি কহিবা গতকালি 7টি ল্যান্ডমাইন উদ্ধার পরে হাই আলার্টে ছিল মালকানগিরি পুলিশ বা বিএসএফ জওয়ান মানে হাই আলার্ট ছিল বার কুম্বিং অপারেশন কু জোরদার করা দেছিল কিন্তু আজি কথা যদি কহিবা গতকালি রাতিরে জন পুলিশ ইনফর্মার সন্দেহে জন ঘরু ডাকি নিয়ে কিনা নির্মমভাবে হত্যা করছেন তা সহ দুই জনকু নিষ্ঠুক মাড় মারিছেন এর পরে যদি কহিবা আমি মালকানগিরি রে নিজের উপস্থিতি জাহির করছেন মাওবাদী তা সহ যদি পুলিশ তো গোটে গোটে পাদ আগুকু বড়ি চালিছিল তো সেই जिनसको प्रतिहत करिया पै समानिक उपस्थित जाहिर करतन तबे विक्रम केऊ सूत्र रु पुलिस खबर पाइले लाल बाहिनी रु ही हत्या करा जाई छि पुलिस इन्फॉर्मर संदेह करा जाई नै जदि कहबा काली राती रे ही से डेड बॉडी को पुलिस जोडाम थाना को अणा जाईथिला जहा कि सामे सूचना रु मिलु छि जे काली राती रे ही डेड बॉडी को जोडाम थाना को अणा गई वर्तमान सुधा से डेड बॉडी जोडाम थाना रे ही अछि त विशेष सूत्र खबर पाई पुलिस सेटा जाईथिला हत्या परे पुलिस सेटा जाईथिला जाई जाई से थ्रू से डेड बॉडी को धरि आसिला धन्यवाद विक्रम आपनको समस्त सूचना पई मालकानगिरी रे माओवादी को बर्बरता पुणी निजर अस्तित्व देखाइले लाल बाहिनी
ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही। यार प्रभाव में दशहरा अधिक वर्षा होबार अनुमान करा जाउछि। प्रबल वर्षा हेबा नै दक्षिण ओडिशा जिलागुड़ी को वार्निंग जारी करा जाइछि। गतकाली केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में लघुचाप सृष्टि होइछि। एहि लघुचाप सह जड़ित घूर्णी बलय समुद्र पतन ठारु वायुमंडल में 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी। परवर्ती 24 घंटे यह लघुचाप आहुरी घनीभूत होबार संभावना रही। आगामी 48 लघुचाप उत्तर पश्चिम और आगामी 3 दिन जाए उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो बोली आकलन करिछि पाणिपाक केन्द्र। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि कविता बारिक। कविता जदि कहिबा दशहरा रे भिजिबो सारा ओडिशा, काहेकि ना लघुचाप जनित प्रभाव रे जहाँ आगामी 3 दिन जाए राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रही। तबे अधिक अपडेट कौन रही? देखु लघुचाप प्रभाव रे वर्षा जारी रही। सहित गत काली लघुचाप केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होई, जहार प्रभाव रे वर्षा आहुरी 3 दिन लगि रही। कह कि वर्षा तो लगि रही, मेघुआ पाग रही। जदि विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे यही लघुचाप प्रभाव देखा मिल तो गंजाम गजपति जिला सतर्क सूचना पूर्व जारी कर 24 घंटा मध्य अधिक घनीभूत हो तापरे अवपात रूप नेब। जदि कह आमें वर्तमान यह जो समुद्र पतन ठारु घूर्णिबल जहाँ लघुचाप और घूर्णिबल ता समुद्र पतन ठारु वायुमंडल 7.6 किलोमीटर व्यापी रही। सहित यह 48 घंटा मध्य उत्तर पश्चिम दिग आड़ गति कर उत्तर पश्चिम अंचल वर्षा अधिक होबार संभावना रही। जदि कह गोटे पटे जदि देखिबा लघुचाप गोटे मासरे दुई रु तीनोटि लघुचाप सृष्टि होता बेले एपटे दशहरा आगक रही। दशहरा कथा जदि कह दशहरा को ओदा कर लघुचाप कहींपर आम तबे निश्चित भावे। कविता आपण जेभली सूचना देउथले आगामी 48 घंटा रे उत्तर पश्चिम एवं आगामी 3 दिन जाए उत्तर पश्चिम दिगरे एहा गति करिवो, किंतु केउ सब जिला को पाणिपा केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग एवं ऑरेंज वार्निंग दिया जाय छि। काहेकि ना जदि कहिबा गंजाम गजपति पुरी आदि जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायतिला, काहेकि ना जदि पूर्वरु जो लघुचाप जनित वर्षा होइतिला अत्यधिक प्रभावित होइतिला गंजाम गजपति। देखो जदि वार्निंग कथा कहबा तहाले तो प्रथम आसीबो गंजाम गजपति, काहेकि ना पूर्व लघुचाप रे मध्य गजपतिर स्थिति बेहाल होइतिला। आउ जदि एथरो कहबा एथरो मध्य सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आउ जेतबेले काली जेहेतु लघुचाप सृष्टि होइछि तार प्रभाव रे विशेष करि पुरी गंजाम गजपति मालकानगिरी एई सब जिला मानकु येलो वार्निंग दिया जायतिला। आज एई जिला गुडी को सब सतर्क रहिया को मध्य सूचना दिया जायछि। कविता आपणको समस्त सूचना पाए। चली आश्विन मास काश तंडी फुलर पसरा भी मिलला, एवं खाली अपेक्षा माँ को आगमन को आउ दिन कईटा पर दुर्गा पूजा धरावतरण करे माँ दुर्गा। एथर कोरोना महामारी दशहरा पूजा लगी कटक, तबे पूजा प्रस्तुति ठारु आरंभ करी पूजा मंडपे केते जन सदस्य रे विशेषकर साधारण लोकों गहली कटक लगे जिला प्रशासन। तेरे एभली क्षेत्र में राज्यर विभिन्न पूजा मंडपे जोरसोर चली प्रस्तुति। सेपटे नवरत्र विभिन्न देवी पीठरे चली छि मां को 16 उपचार विधि। बिहार रे उपनिर्वाचनी ताती प्रचार मैदान रे हेवी वेट कैंपेनिंग पाई पहुंचले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी रो स्टार कैंपेनर होइछंती धर्मेंद्र। बिहार रे निर्वाचनी ताती प्रचार मैदान रे हेवी वेट
कैंपेनिंग पाई पहुंचले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी रो स्टार कैंपेनर धर्मेंद्र बिहार रे प्रचार लड़े जोरदार हेतुवा बळे पहुंची छंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी रो स्टार कैंपेनर धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण विमान बंदर रे पहुंची थिले सेठरे तांकु दलीय कर्मी व नेता स्वागत संवर्धना प्रदान करथिले धर्मेंद्र बांका भागलपुर व पटना समेत विभिन्न अंचल रे हेबाकु थिबा निर्वाचनी रैली रे शामिल हेबे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग दे दलीय प्रार्थीक पई प्रचार करिवे बिहार रे 243 विधानसभा आसन पई लढाई हेउची टक्कर हेबो जेडीयू बीजेपी एनडीए मेंट व आरजेडी कांग्रेस व अन्य दलंक महागठबंधन मध्यरे चिराग पासवान को एलजेपी बा लोक जनशक्ति पार्टी भी अछि मैदान रे 28 अक्टूबर रे प्रथम पर्याय मतदान अनुष्ठित हेबो नवंबर 7 रे तृतीय तथा शेष पर्याय वोट ग्रहण हेबो नवंबर 10 रे वोट गणती पटना रु कैमरा पर्सन टुना मंडल के सह इमरान खान को रिपोर्ट ऑर्गस न्यूज आसिबा परवर्ती खबर को समवाय स्काम को नै काहेकि मंत्री देउनाहंती उत्तर प्रश्न पचारिले कोन पई द्वार बंद करूछंती मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई लोके कृषि ऋण स्काम रे फसी हंतसंत हेउछंती मंत्री किंतु उपनिर्वाचन रे भाषण देउछंती किंतु लोकंक प्रश्नर उत्तर न दे मुह बुलाउछंती देखंतु रिपोर्ट राजांक मुह बुला आउ गोटे कथा आपनक पंचायत रे चासीमा मुह खोलिबा को डरुछंती राजा मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई ओरफ राजा स्वाई राज्य सरकार कैबिनेट वरिष्ठ मंत्री चाषी को ऋण देउथिबा समवाय विभाग मंत्री हेले निज निर्वाचन मंडली रे होइथिबा समवाय स्काम को नै विवाद को आसिछंती राजा हेले नै तांको प्रश्न पचारिले केमिति बूम खेली चली जाउछंती मंत्री टिके नजर पकांतु आ गोटे कथा आपनक पंचायत रे चाषी मा आठगड़ निर्वाचन मंडली रो गुरुझाटिया और धाईपुर समवाय समिति रे होइथिबा महास्काम को नै विवाद को आसीथिले मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई को समेत तांको भाई एपरिकि चासी को अजानतरे सेमनक अकाउंट रे लक्ष लक्ष टंका रो ऋण हड़प होइथिबार अभिजोग आनीथिले निज अंचल रो चासी सुनंतु सह सह चासी तबे कमिश्नरेट पुलिस रो सांबादिक सम्मेलनी उपरे नजर पकाइबा आरपीएफ अनिल कुमार उदेरा सिंह हरिश्याम गिरी हेमंत शरीफ जे उपेंद्र पवन कुमार संगीता तांजे धर्मेंद्र कुमार मीना रविंद्र प्रताप सिंह आर रमता बासा राम सिंह रामवीर गुर्जर सनी कुमार परशुराम कुमार एसएसबी लाल चांद सत्यलाल शुटकेम ललित चंद्र बर्मन ललित कुमार विभूति सिंह बलदेव सिंह कपिल देव जी किंग गुयुलूम दीनदयाल बौरिया रुपेश कुमार तपन लाहौर अभिजीत सिंह मणिकंदन की राम उदय दास यह छड़ा केशोजी चंदकर हविलदार प्रकाश कुमार साहू के वीरगति प्राप्त होती आम स्मरण करुचे ए वर्ष कहवाक गले ओडिशा पुलिस गोटे भल वर्ष कारण गोटे समय आम जो नक्सल मान विरोध में कार्यक्रम आरंभ कले कड़ाकड़ी 2008 मसीहा वर्ष आम 78 जन पुलिस कर्मचारी शहीद होते ओडिशे ए वर्ष कहीं नहांती कहले चल कितु दुखर कथा जे आमर जो कोरोना युद्ध आमर अनेक कर्मचारी शहीद होती मुसलमानों ना पढ़ी शुणी कांस्टेबल गोलक नायक गंजाम एएसआई रवींद्रनाथ बेहरा गंजाम एएसआई ट्राफिक कृष्णचंद्र मंडल ब्रह्मपुर सुबेदार प्रभाकर परिडा ऑफ थर्ड बटालियन जाजपुर एएसआई शिवराम दास गंजाम एएसआई रविंद्र कुमार कवि नयागढ़ एएसआई महाजन प्रधान कंधमाल मुरलीधर बड़ियार सिंह खुर्दा कांस्टेबल सुब्रांशु शेखर प्रधान पुरी पटरास टीगा
ସମ୍ବଲପୁର, କନଷ୍ଟେବଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବରହମପୁର, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ହନ୍ତାଳ ମାଲକାନଗିରି, ଡିଏସ୍ଆଇ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ହନ୍ତାଳ ହେଲେ କଲୋରଡ଼ଲି, ଡିଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଣବନ୍ଧୁ ସେଠୀ ଅଫ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଡ୍ରାଇଭର ହାବିଲଦାର ବେଲାମ ମି ରାଉରକେଲା, କନଷ୍ଟେବଲ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏସ୍ଆର୍ପି ରାଉରକେଲା, କନଷ୍ଟେବଲ 1187 ଆଶିଷ ମହାକୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଏସ୍ଆଇ ମନୋଜ କୁମାର ପୋତା ବରଗଡ଼, କନଷ୍ଟେବଲ 194 ଶଙ୍କର ଦାସ ନୂଆପଡ଼ା, କନଷ୍ଟେବଲ 627 ଅଜୟ କୁମାର ମାଝି ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଏପିଏଫ୍ 162 ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ନୟାଗଡ଼, କନଷ୍ଟେବଲ 83 ଦିବାକର ସେଠୀ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ, ଏସ୍ଆଇ ରାଜକୁମାର ସମାଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନଷ୍ଟେବଲ ଉମେଶ ସେଠୀ ପୁରୀ, ଡିଏସ୍ଆଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କୋରାପୁଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେହୁରୀ ଆଇଆଇସି ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଡ୍ରାଇଭର ତପସ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପିଏମ୍ପି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଟିଏମ୍ପି କଟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଟିକାବାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କନ୍ଧମାଳ, ଏଏସ୍ଆଇ ଶିଶିର ସେଠୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କନଷ୍ଟେବଲ 1187 ବାବୁଲି ଲେଙ୍କା ମାଲଗୋଦାମ ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ କର୍କରା ଅଫ୍ ବିପିଓ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଏସ୍ଆଇ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ହବିଲଦାର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା, କନଷ୍ଟେବଲ ଉମେଶ କୁମାର ନାୟକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରୀତବାସ ଧରୁଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କନଷ୍ଟେବଲ ବାଲି କହଁର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଆଡ଼ିସନାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଲିସ ଅଶୋକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏସ୍ଆଇ ନିମାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ମଦନ ମୋହନ କାର୍ଜୀ କଟକ, କନଷ୍ଟେବଲ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ନୂଆପଡ଼ା, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସିଆଇଡି ସିବି କଟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦଳେଇ ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 13 ଏଏସ୍ଆଇ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 30 ଭାଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନେ। ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 61ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 41 ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ପିପିଲି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପିପିଲି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ଅନଶନକାରୀମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନଶନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି
ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଅନଶନ ସ୍ଥଳରୁ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପିପିଲି ବଜାର ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିପିଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତୀବ୍ର ହେବ, ଆମେ ମରିବୁ ନହେଲେ ଆମ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କଲା, ସବୁଥିରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଆମର ସେବକ, ଜନତା ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ରାଲି ଯାଉଛି ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।